नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्रैग्स इक्वेशन। इसके बारे में अपन जानेंगे ब्रैग्स इक्वेशन होती क्या है और उसको कैसे ड्राइव किया जाए। जैसे कि अपन जानते हैं सॉलिड है वो क्रिस्टल लैटिस से बना होता है, और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, पॉइंट का डिसिप्लिन अरेंजमेंट को ही अपन क्रिस्टल लैटिस कह दिया जाता है। सपोज ये कोई पॉइंट है, और फिर अगर इसे क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में देखा जाए तो ये एटम का सेंटर है, जिसे अपन न्यूक्लियस कहते हैं। अपन क्रिस्टल लैटिस की लेयर्स बनाएंगे और फिर उसे आगे समझेंगे। सपोज ये एक लेयर बने किसी क्रिस्टल लैटिस की, मतलब अपन पॉइंट्स का डिसिप्लिन अरेंजमेंट करेंगे। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट बना दिए, ये मतलब इक्विडिस्टेंस समझ लीजिए ऑर्डर अरेंजमेंट। और फिर एक नीचे लेयर बना दी उसी चीज की। अब आप बोलेंगे इसमें एटम है कहां, ये जो है वो एटम है। अगर आपसे कोई बोले कि एटम की आपको रेडियस निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे इजी वे कोई भी सजेस्ट करेगा, वो कहेगा कि उसका जो नेबरिंग एटम है उससे दोनों के सेंटर की डिस्टेंस निकाल लिया, जिसे अपन डी से बोलते हैं, तो अपन सो अपन आर की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज एक ये एटम है और इसका नेबरिंग एटम ये है, दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो निकालिए अपन कैसे भी करके, तो अपन आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये डी, इसको अपन डी से डिनोट कर देते हैं। और फिर जो अगर अपन आर इक्वल्स टू डी बाय टू फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे डी की वैल्यू, तो अपन आर की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कि ये दो लेयर्स हैं आप देख सकते हैं, और ये इसका सेंटर पॉइंट है एक एटम का, और ये एक सेंटर पॉइंट है, मतलब जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो डी है। अगर आपको ये डी डिस्टेंस निकालनी है तो ये है तो सॉलिड, आपको किसी ना किसी चीज को इतनी दूर तक इसके अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा, मतलब जो पेनिट्रेटिंग होने वाली चीज है उसे अपन बीम बोलेंगे। और इस केस में ब्रैग्स इक्वेशन के केस में अपन एक्सरे लेंगे। एक्सरे क्यों लेंगे देखते हैं, एक्सरे इसलिए लेंगे क्योंकि जो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे है वो बहुत कम है, वेवलेंथ एक्सरे की बहुत लो है, कम है, और अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ई इक्वल्स टू एस सी ओवर लैम्डा, अगर लैम्डा की वैल्यू कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी तो ज्यादा अंदर तक उसकी बीम्स जाएंगे। जैसे ये दो लेयर्स हैं इसके ऊपर अपन एक्सरे की बीम्स डालेंगे, और सपोज जो पहली बीम गई वो यहां से टकरा के एटम के न्यूक्लियस से टकरा कर वापस चली गई, जो पहली रे डाली अपन ने वो टकरा के वापस चली गई, इसको अपन वन से डिनोट कर दे रहे हैं। और क्योंकि एक्सरे बीम्स की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है तो अपन ने मान लिया कि जो दूसरी रे है वो दूसरे लेयर के न्यूक्लियस से टकरा कर वापस जाएगी क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। अपन ने दूसरी लेयर बनाई और ये टकरा कर वापस चलेगी, इसको अपन एक लाइन के फॉर्म में कर लेते हैं, सरफेस है क्योंकि, जिसे समझने में आसानी हो आपको। जो L1 इसके साथ एंगल बनाएगी वो अपन थीटा रेट कर ले रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मतलब फिर उसके बाद जो दूसरा एंगल होगा वो भी थीटा होगा, सबको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार। और ये जो एंगल बनाएगा वो भी थीटा होगा, और ये जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के सरफेस। अब आप देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली रे है और दूसरी रे है, वो दूसरी रे ज्यादा चली हुई है, वन के मुकाबले ज्यादा चली हुई है। अब सवाल यह आता है कितना ज्यादा चली है, वो अपन को निकालना है कितना ज्यादा ये चली है इससे ज्यादा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहली वाली रे से दूसरी रे पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे इधर पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो पहली और दूसरी रे हैं वो यहां तक साथ में चली है, इनका अपन नेमिंग कर दे रहे हैं, इसको अपन ओ से डिनोट करते हैं, इसको ए से, इसको बी से और इसको सी से। तो आप देख सकते हैं पहली रे और दूसरी रे ओ ए तक साथ में चली है, और फिर इसके बाद ये अलग हो गई, और फिर ओ बी से फिर साथ में चली है, मतलब जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस से ट्रेवल की है वो क्या है, ए सी प्लस बी सी। और बस अपन को ए सी और बी सी आपस में इक्वल है, आप देख सकते हैं AC और BC इक्वल है आपस में, तो अपन को बस AC की वैल्यू निकालनी है। और आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन O एंड C है वो किसके बराबर है, D के।
ये अपन ने लिख दिया ये डी के बराबर है। अब जो एंगल है इसको एक्सिस के फॉर्म में लिखते रहे, इसको एक्स वन और एक्स टू, जो एंगल है वन ओ एक्स वन वो क्या थीटा है, और अपन ने इस पे परपेंडिकुलर डाला एंगल वन ओ एक्स वन इक्वल्स टू थीटा, एंगल थीटा, और जो एंगल है वन ओ ए वो अपन ने परपेंडिकुलर डाला विच मीन्स ये एंगल वो 90 डिग्री के बराबर है, एंगल वन ओ ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि जो एंगल एंगल एक्स वन जीरो मतलब ओ सी है वो 90 डिग्री है, क्लियरली व्यू है, मतलब सब देख सकते हैं इसको, एक्स वन ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो एंगल ए एक्स वन ओ ए होगा वो कितना होगा, क्लियरली पता है भाई जब ये 90 है और ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो जो एंगल एक्स वन ओ ए है वो क्या है 90 माइनस थीटा। अब अपन को जो एंगल निकालना है वो क्या है, ये जो एंगल है वो निकालना है, वो कैसे निकलेगा, जब ये पूरा 90 था और ये 90 माइनस थीटा है तो जो एंगल होगा वो क्या होगा थीटा के बराबर। अपन निकाल के बताते हैं, ये एंगल थीटा हो गया था तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी की वैल्यू क्या होगी थीटा 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, विच मीन्स जो एंगल होगा वो थीटा होगा क्योंकि ये पूरा 90 था और ये 90 माइनस थीटा था, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू क्या आई थीटा के बराबर हुई। बस अपन फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया तो अपन ये पहला वाले ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ओ सी, इसमें अपन को क्या करना है ए सी की वैल्यू निकालनी है, वो किसके बराबर होगी, ए सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए सी इक्वल्स टू डी साइन थीटा। भाई सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है भाई, तो ये अपन ने ए सी की वैल्यू निकाली और अपन को पता है AC equals to BC, which means जो total path difference होगा वो किसके बराबर होगा AC plus BC, which means equals to 2D sin theta। अगर ये जो ये भी beam है और ये भी beam है, ये दोनों beam चल रही है, अगर अपन को इसका जो constructive interference बनाना है, मतलब कि जो यहां से अगर इन दोनों beams को additive nature show करना है तो जो इंटरफेरेंस होगा वो लैम्डा के बराबर होगा, विच मींस जो पाथ डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा के बराबर होगा, मतलब जो ये जो पाथ डिफरेंस हुआ वो लैम्डा के बराबर होगा, और लैम्डा के बराबर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करना है तो एन लैम्डा के बराबर होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल्स के फॉर्म में आएगा, विच मींस लिख के दे रहा हूं मैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2d sin theta मस्ट बी n lambda, और उसमें n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी 1 2 3 डैश, और फिर जो अपना जी आ गया ये जो निकला के आया उसी को अपन ब्रैग्स इक्वेशन कहेंगे। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार, और मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ। हमारा चैनल लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।